आज हम आप लोगों से ये बात इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप सबको हम अलर्ट कर सके, जो हादसा हमारे साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। ये देखिए, अभी अभी पता करके आया कि मंदिरा कीर्तन से मिलने पुलिस स्टेशन गई है। ऐसे बेटे को सजा मिलनी ही चाहिए, और ये कि मंदिरा आंटी उसे जेल में मिलने गई है। जब एक बेटा ऐसी हरकत करता है ना, तो गलती सिर्फ उसकी नहीं होती है, गलती उसके परिवार की होती है, उसकी परवरिश की होती है। जब फैमिली सही वैल्यूज नहीं दे सकती तो वो लड़कियों की वैल्यू नहीं कर पाता, अपनी पत्नी की वैल्यू नहीं कर पाता। आज सिर्फ कीर्तन जेल में नहीं है, आज मंदिरा आंटी की परवरिश जेल में, उनका एक एक संस्कार जेल में। और जितनी गलती कीर्तन की है ना, उतनी ही गलती मंदिरा आंटी की भी है, और सजा मंदिरा आंटी को भी मिलनी चाहिए। शक्ति, क्या सोच रही है तू? हम ये सोच रहे हैं कि मंदिरा आंटी और कीर्तन का काला चिट्ठा हम दुनिया के सामने कैसे लेकर आए। हम बस इतना जानते हैं कि हमें इसके लिए आपकी हेल्प लगेगी। हमारी हेल्प? कैसी हेल्प? इतने बड़े कश्यप खानदान का बेटा और डोमेस्टिक वायलेंस के इल्जाम में जेल में, क्या ये बात सच है? बताइए मैम, इतने बड़े खानदान पे इतना बड़ा इल्जाम? क्या डॉक्टर कीर्तन इतने वायलेंट और टॉक्सिक हस्बैंड है? बिल्कुल नहीं, कीर्तन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी फैमिली बहुत ही रेस्पेक्टेड और एजुकेटेड है, हमारे परिवार में ये सब नहीं चलता। मेरा बेटा इनोसेंट। पर हमने तो सुना था कि आपके बेटे ने हॉस्पिटल में कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट का रैकेट भी चलाया था, क्या सच है? नहीं, बिल्कुल झूठ है। कहाँ से सुना आपने ये सब? क्या है ना कि इस शहर में ना हमारे बहुत सारे दुश्मन है, किसी ने मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की पर कोई सबूत नहीं मिला। पर मैडम, लिसन, अफवाह फैलाना बंद कीजिए। हम कोई अफवाह नहीं फैला रहे मैम, ये देखिए। हम रिमझिम शर्मा, आज हम अपने सारे फॉलोवर्स से एक बात शेयर करना चाहते हैं। हमें लगता था कि हम पढ़ी लिखी लड़की हैं, अच्छी फैमिली से, तो हमारे साथ कभी कोई अत्याचार नहीं हो सकता, कि बड़े घरों में कभी औरतों के ऊपर अत्याचार नहीं होता, कि उन पर हाथ नहीं उठाया जाता। लेकिन हम पूरी तरीके से गलत थे। आज हम आप लोगों से ये बात इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप सबको हम अलर्ट कर सके, जो हादसा हमारे साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। ये देखिए,